भाइयों बहनों, आज प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की पर्यटन की सुविधाओं का तो विकास किया ही है। अब तक सड़कें बनती थी सिंगल लेन को डबल लेन में, डबल लेन को फोर लेन में, फोर लेन को सिक्स लेन या एट लेन में, एट लेन को ट्वेल्व लेन में। एयर कनेक्टिविटी की बेहतरीन सुविधाएं होती थी, रेलवे की बेहतरीन सुविधाएं होती थी, लेकिन लोग कहते थे कि उत्तर प्रदेश में यहां पे लैंड लॉक्ड स्टेट है, इसलिए यहां पे कोई भी जल मार्ग की सुविधाएं नहीं विकसित हो सकती। लेकिन ऐसा नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसी के बीच से रास्ता निकाल दिया। वाराणसी से हल्दिया के बीच में गंगा जी पे इनलैंड वाटरवे बना करके क्रूज सेवा प्रारंभ की गई, और अब हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी का गठन करके राप्ती नदी सरयू जी में, यमुना जी में, गंगा जी में, इसमें भी जल यातायात को और क्रूज सेवा को बढ़ावा देने के लिए एक अथॉरिटी का गठन हम कर चुके हैं। तेजी के साथ इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे, ढेर सारे रोजगार के अवसर सृजित होंगे, लोगों को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा और साथ साथ रोजगार का सृजन भी होगा। इस अवसर पर आज गोरखपुर में रामगढ़ताल आज से 6 वर्ष पहले 10 वर्ष पहले यहाँ के बारे में, यहाँ के किस्सों के बारे में आप सब सुनते थे, आज एक नया पर्यटन का स्थल बना है। चारों ओर से सड़क बन रही है, फुटपाथ बन रहा है, देखिए क्या चमकती हुई लाइट, रात्रि को कोई इधर से गुजरता या कोई बाहर से देखता है उसको लगता ही नहीं कि वो गोरखपुर में है। और भाइयों बहनों, आज प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की पर्यटन की सुविधाओं का तो विकास किया ही है। अब तक सड़कें बनती थी सिंगल लेन को डबल लेन में, डबल लेन को फोर लेन में, फोर लेन को सिक्स लेन या एट लेन में, एट लेन को ट्वेल्व लेन में। एयर कनेक्टिविटी की बेहतरीन सुविधाएं होती थी, रेलवे की बेहतरीन सुविधाएं होती थी, लेकिन लोग कहते थे कि उत्तर प्रदेश में यहां पे लैंड लॉक्ड स्टेट है, इसलिए यहां पे कोई भी जल मार्ग की सुविधाएं नहीं विकसित हो सकती। लेकिन ऐसा नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसी के बीच से रास्ता निकाल दिया। वाराणसी से हल्दिया के बीच में गंगा जी पे इनलैंड वाटरवे बना करके क्रूज सेवा प्रारंभ की गई, और अब हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी का गठन करके राप्ती नदी सरयू जी में, यमुना जी में, गंगा जी में, इसमें भी जल यातायात को और क्रूज सेवा को बढ़ावा देने के लिए एक अथॉरिटी का गठन हम कर चुके हैं। तेजी के साथ इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे, ढेर सारे रोजगार के अवसर सृजित होंगे, लोगों को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा और साथ साथ रोजगार का सृजन भी होगा। इस अवसर पर आज गोरखपुर में रामगढ़ताल आज से 6 वर्ष पहले 10 वर्ष पहले यहाँ के बारे में, यहाँ के किस्सों के बारे में आप सब सुनते थे, आज एक नया पर्यटन का स्थल बना है। चारों ओर से सड़क बन रही है, फुटपाथ बन रहा है, देखिए क्या चमकती हुई लाइट, रात्रि को कोई इधर से गुजरता या कोई बाहर से देखता है उसको लगता ही नहीं कि वो गोरखपुर में है। और इन सभी को विकसित करने की दिशा में हम सबका सामूहिक प्रयास निरंतर आगे बढ़ना चाहिए।